ठंड में अगर आप खिलाते हैं तो बकरियों को ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि यह फैट होता है। बकरी नहीं खा रही आपकी खल तो आपको भिगोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य आईटी गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरियों को खल कैसे खिलाना है, कब खिलाना है। देखिए ठंड का मौसम आ रहा है, आप लोग खल की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। खल की मात्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ बढ़ाने के लिए, देखिए पंकज जी, यह पीला वाला सरसों जो होता है ना, मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड का है, देखिए कितना शानदार है। तो इसमें फंगस लग जाता है, नमी वाले जगह पर आपको नहीं रखना है। नमी वाले जगह पर रखेंगे तो फंगस लग जाएंगे, तो नमी वाले जगह पर इसको नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। और बकरियों को ठंड में अगर आप खिलाते हैं तो बकरियों को ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि यह फैट होता है, और बॉडी में जब फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो बकरियों को ठंड नहीं लगता है। तो आप बकरियों को जैसे कि होता है कि जैसे ठंड का मौसम आ गया है तो आप एक कुंटल में 25 किलो खल मिला सकते हैं, 20 से 25 किलो एक कुंटल में। ठंड के दिनों में खल मिलाना रहता है, और वही हम बात करें गर्मी के दिनों में तो 10 से 15 किलो खल की मात्रा रखनी चाहिए, एक कुंटल की बात कर रहा हूँ। वहीं पे 10 किलो दाना में 1 से 1.5 किलो आपको दाना मिश्रण जो आप बनाते हैं, 10 किलो पे 1 से 1.5 किलो आपको गर्मी के मौसम में दाना में डालना है खल की मात्रा, और ठंड के मौसम में तो वहीं पर आप 2 से 2.5 किलो दाना में डाल सकते हैं खल की मात्रा। क्योंकि ऐसा नहीं है बकरियाँ खाती हैं, लोग कहते हैं हमारे फार्म पर बकरियाँ खाती नहीं है, मैं थोड़ा मैं ही कर देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ। देखिए देखिए पंखे दिखाइए इसको, चलिए हम बकरियों के पास ले चलते हैं। बकरियाँ हम लोग बाहर रख रहे हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादा इस समय नमी की ज़रूरत नहीं है शेड में, और शेड में नमी रहेगा तो बहुत दिक्कत है, ठीक ना। तो शेड से नमी भगाने के लिए ही हम लोग यह कर रहे हैं। दोस्तों देखिए अब हम लोग चल रहे हैं अपने बकरियों के पास, यहाँ से इसको ओपन करेंगे या पूरा इस समय देखिए सेट को हम लोग सुबह में साफ़ करने के बाद बंद कर देते हैं, और सभी बकरियाँ बच्चे जो हैं बाहर खिला रहे हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग मतलब देखिए बकरी को डालेंगे, और अगर बात करें लोग कहते हैं तो हम इसको रख दे रहे हैं। देखिए आप लोग कहते हैं ना पंकज पास दिखाइए, मुँह दिखाइए, देखिए लोग कहते हैं खल नहीं खाते, सभी के सभी खल खा रही हैं और खाती भी हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है खल नहीं खाती बकरियाँ, तो आप खल थोड़ा थोड़ा मात्रा में जैसे सुबह में इतना इतना आप खल एक एक बकरी को आप ऊपर से ऐसे से डाल देंगे। इससे ये होगा कि बकरियों को ठंड में ज़्यादा फैट की ज़रूरत पड़ती है, जब फैट की मात्रा बॉडी में बनी रहेगी बकरियों को सर्दी जुकाम बुखार की समस्या जो है, जब गर्मी रहेगा अंदर ना तो सर्दी जुकाम होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खल की मात्रा आप उसको सुबह सुबह डाल सकते हैं, जैसे भिगो देने से इसमें क्या कहते हैं उसका झा मतलब एक तरह से एक समझ सकते हैं इसका महक आ जाता है, भिगोने से महक आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे डाल देंगे ना तो महक नहीं आते। देखिए सभी बकरी एक एक बीन कर खा रही है, देखिए दिखाइए पंकज जी। तो भिगोइए मत अगर नहीं खाती है बकरी, तो ऐसे ही करके तोड़ लीजिए, तोड़ कर ऐसे बकरी के नाद में थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा ऐसे मात्रा में आपको नाद में डाल देने से होगा। बकरी बीन बीन कर देखिए उसको खा भी रही है, दिखाइए पंकज जी उसको पास से दिखाइए। जब बकरी नहीं खा रही आपकी खल तो आपको भिगोना नहीं है, सीधा खड़ा ही उसके नाद में डाल देना है, ठीक ना। खड़ा डाल देंगे तो एक खा जाएगी, लेकिन अगर भिगो देंगे आप तो नहीं खाएगी।